फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकांक्षा फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूं और इस बार का जो वीडियो है वो मिंत्रा हॉल होने वाला है। यानी कि मैंने कुछ आउटफिट मंगवाए हुए हैं जो मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया था। वो ऑर्डर करने का मेरा रीज़न ये था क्योंकि ना मिंत्रा में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। थोड़ा सा उसका प्राइस ऐसा होता है कि कई लोगों को लगता है ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता है प्राइस ना। कई बार ऐसा ना, मैं जब आपको स्क्रीन में प्राइस दिखाती हूँ ना, स्क्रीन शॉट दिखाती हूँ, तो उसके प्राइस अलग होते हैं, पर मैं किसी और प्राइस में उसको परचेज़ कर चुकी होती है। तो वो ऑफ़र के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कौन सा ऑफ़र चल रहा है। तो आप थोड़ा सा ऑफ़र देख के कोई भी चीज़ वहाँ से प्रोडक्ट मंगवाते हैं, ऑफ़र पे मंगवाइए, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैंने ना ऑफ़र देख के ही सारे प्रोडक्ट मंगवाए, मुझे बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं। पूरे वीडियो में रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। बट इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं ना तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है। कोई ना कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल के साथ साथ एक चीज़ बता देती हूँ, प्रोडक्ट बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो आउट ऑफ स्टॉक ना हो उससे पहले आप उसको परचेज कर सके, जो भी चीज़ आपको पसंद आती है। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, उसको भी जाइए फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो इन सबका आपको गेटअप वहाँ पर मिलेगा। प्लस इसके साथ साथ ना, आपके इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, सबका आंसर मैं कमेंट में नहीं कर पाती हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे अगर बताएंगे कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। तो फटाक से जाइए, उसको भी फॉलो कर लीजिए। अब चलते हैं अपने पीस की तरफ। जो सबसे पहला पीस है वो बहुत ही प्यारा टू पीस इसका मुझे मिला हुआ है, रिसीव हुआ है, बहुत कम प्राइस में रिसीव हुआ है। सबसे पहले फैब्रिक की बात करें तो कॉटन का फैब्रिक मुझे रिसीव हुआ है। ऊपर की ये कुर्ती है, यानी कि सिंपल सा टॉप टाइप का है। ये आप जीन्स वगैरह में भी वेयर कर सकते हो। चेक चेक में आपको ये पूरी मतलब कि आपको डिज़ाइन मिलेगी, जो प्रिंट मिलेगा वो चेक चेक में मिलेगा, जिसमें आप देख रहे हो रानी कलर और येलो कलर और डार्क एकदम जो रानी कलर होता है ना, जामनी सा कलर, उस कलर में आपको इसमें मिलने वाला है प्रिंट। स्लीव की अगर बात कर ले तो स्लीव हमको ऐसे 3-4 स्लीव मिलती है, उसमें भी यहाँ पर साइड में ना हमको एक डार्क कलर का फैब्रिक लगा हुआ है, यानी जामुनी कलर से यहाँ पर वर्क हुआ है, यानी कि प्रिंट हुआ है। दोनों साइड आपको इसी तरीके का वर्क मिलता है। फ्रंट की बात करें तो ऐसा वी नेक टाइप का मिलता है, जो आपको देखेगा कि यहाँ से खुला हुआ है, बट वो खुला नहीं है, बंद है, ओपन है यहाँ से बस, और अंदर जो ऐसा फैब्रिक लगा हुआ है रानी से कलर का। और यहाँ पर हमको ना ऐसी लटकन सी मिलती है सामने साइड, ऐसी डोरी और ऐसे रेशम की लटकन मिलती है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा है। पीछे साइड की बात करूँ तो पीछे साइड भी ना इस तरीके से चुन्नट मिल रही है, यानी आपको इस तरीके से चुन्नट मिलेगी जो पीछे साइड मिल रही है। फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, ये आप आराम से कहीं पे भी पहन के जा सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं हम लोगों को सफ़र वगैरह भी करना है, लेकिन कुछ अच्छे से दिखना है, मतलब अच्छा सा कुछ पहनना है, ढीला ढाला सा पहनना है, ये सफ़र वगैरह में पहन सकते हो, कहीं पर भी आप जा सकते हो, मार्केट जा सकते हो, घर पर वेयर कर सकते हो। कई ड्रेसेज ऐसी होती हैं कि आप उसको कहीं भी पहन के जा सकते हो। अब इसके साथ जो मुझे रिसीव हुआ है वो ऐसा प्लाज़ो रिसीव हुआ है जो रानी कलर का है। प्लाज़ो बहुत ही अच्छे, मतलब हाइट जो मेरी 5'5" के अकॉर्डिंग बताऊँ तो उस तरीके से मुझे ये लेंथ हुई। बहुत ही प्यारी सी इसकी लेंथ है और इसका घेर भी ना काफ़ी घेर इसमें दिया हुआ है। फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट साइड ऐसा बेल्ट टाइप का दिया हुआ है, पीछे साइड ऐसा चुन्नट सा दिया हुआ है। इसका साइज़ मैंने एम मंगवाया, थोड़ी एम साइज़ इसलिए मंगवाया क्योंकि ये सिंगल पीसेज है जिसको हमको बिना दुपट्टे के वेयर करना होता, थोड़ा सा लूज़ होता है तो अच्छा लुक आता है इस वजह से। तो ये मुझे पीस बहुत अच्छा रिसीव हुआ, बहुत सस्ते प्राइस का था। मुझे नहीं पता कि अभी स्क्रीन पे आप क्या प्राइस देख रहे हो, लेकिन मुझे 600-700 समथिंग का ये मुझे रिसीव हुआ था टू पीसेस का। तो मुझे ये पीस अच्छा लगा था। इसके बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, इससे रिलेटिव डिज़ाइन के कुछ अलग अलग डिज़ाइन के आपको पीसेस मिल जाएंगे, तो आपको लिंक मेंशन होती जाएगी, आप उस लिंक पे जाके इसके और भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो अपने सेकेंड पीस की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड पीस मैंने ऐसी एक टी शर्ट मंगवाई हुई है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने एक बार ग्रीन कलर की मंगवाई हुई थी मिंत्रा से, वो मुझे बहुत अच्छा रिसीव हुआ था, तो फिर मैंने सेकेंड ये मंगवाया। ये आपको स्लीवलेस मिलेगा, स्लीवलेस के साथ साथ ना सामने ऐसी बटन्स लगी हुई हैं, 4 बटन्स आपको मिल जाएंगी। नेक आपको ऐसे ना इसका जो मिलेगा वो टी शर्ट पैटर्न टाइप का मिलेगा, यानी कि टी शर्ट पैटर्न कॉलर वाला जो होता है उस पैटर्न में कॉलर वाला आपको ये इसका नेक मिलेगा। साइज मैंने एम मंगवाया हुआ है। इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सा प्यारा सा फैब्रिक है, मैरून कलर है, अच्छा लग रहा है। इसको जीन्स वीन्स पर आप आराम से वेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। नीचे साइड ऐसा हल्का सा कट है, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा सा ये रिसीव हुआ।
हुआ है। रेंज वाइज ये 400 समथिंग का मुझे रिसीव हुआ था, इसमें तो प्राइस कुछ अलग डला है लेकिन मुझे 400 समथिंग का ये रिसीव हुआ था। ये मैंने सिंगल पीस कोई भी मंगवाया हुआ था, मतलब किसी भी डार्क यानी ब्लू जीन्स या ब्लैक जीन्स के साथ अगर मैं इसको वेयर करूँगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने उस पर्पज़ से इसको ऑर्डर किया था। ये मुझे किस प्राइस में रिसीव हुआ ना, साइड में आप स्क्रीन पर एक बार इसका प्राइस देख लीजिए। अब चलते हैं अपने थर्ड पीस की तरफ। तो थर्ड पीस मैंने ऐसे एक नाइट ड्रेस मंगवाई हुई है। नाइट ड्रेस जो है ये मैंने रेड कलर का ऑर्डर किया हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा रेड कलर पसंद है तो मैंने रेड कलर का गाउन नाइट ड्रेस ही मंगवाई। आप ये देखोगे ना तो सामने इसके ऐसे बटन्स लगे हुए हैं, पूरा प्रिंटेड है। प्रिंटेड के साथ साथ इसमें कॉलर मिलता है। घर पे एकदम आराम से आप इस टाइप की चीज़ें ना वेयर कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है वेयर करने में। और इसका फैब्रिक ना बिल्कुल सॉफ्ट वाला रियॉन फैब्रिक है। स्लीव मैंने फुल मंगवाया हुआ क्योंकि मुझे फुल स्लीव घर में वेयर करना अच्छा लगता है, तो फुल स्लीव मैंने मंगवाई हुई है। कॉलर वाला है, बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक का भी है। इसके साथ जो नीचे का हमको पैंट मिलता है ना, उसकी इलास्टिक ऐसे हमको दोनों साइड दी हुई है और ऐसे एक डोरी दी हुई है, तो आप अपने हिसाब से इसको टाइट ढीला कर सकते हैं। साइज़ ये भी मैंने M मंगवाया, लेकिन मैं अगर इसका L साइज़ मंगवाती तो शायद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होता, बट ये मैंने M मंगवाया और मुझे थोड़ा सा टाइट हुआ, बट फिर भी ओके है, नाइट के पर्पज़ से ओके है ये। तो ये पीसेज आप देखोगे तो इसी तरीके का ना प्रिंटेड आपको फ्लावर फ्लावर वाले इसके पीसेज मिलेंगे, यानी कि पूरे दूर दूर पे जो आपको मिलता है ना प्रिंट, वो आपको ऊपर साइड और नीचे साइड ऐसे फ्लावर वाला मिलता है। तो ये मेरे थर्ड पीस था। अब चलते हैं अपने अगले पीस की तरफ, जो बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है और बहुत प्यारा सा पीस है। ये आप देखेंगे तो इस तरीके मैंने टू पीसेस का मंगवाया हुआ है। स्टार्टिंग इसके ब्लाउज़ से कर देते हैं। ब्लाउज़ जो इसका मंगवाया ना मैंने एम साइज़ ये भी ऑर्डर किया हुआ है। फ्रंट आप देखोगे तो ऐसा आपको वी नेक मिलने वाला है। वी नेक के साथ साथ नीचे साइड ना इस तरीके का बेल्ट टाइप का लगा हुआ है कि जो बेल्ट बना हुआ है। ब्लैक कलर का पीस है, उसमें आपको पूरे में प्रिंट मिलने वाला है। और इसकी स्लीव की अगर बात करें तो इसकी स्लीव भी हमको 3/4 रिसीव होती है। अगर इसके बैक साइड की बात करें ना, तो बैक साइड हम आप देखोगे तो बैक साइड इस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है, यानी बहुत ही प्यारी सी ऐसी डिज़ाइन बनी हुई है। मैं इसको ना ट्राई करके बताती जा रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा कि ये कैसा लुक आ रहा है पहनने पर। मुझे बहुत ही प्यारा सा लगा ये पीस, मतलब मुझे ना ऐसा पीस रिसीव हुआ कि आप किसी भी नॉर्मल छोटी सी पार्टी में पहन के जाइए, बहुत अच्छे से गेटअप लीजिए। मैंने तो ऐसा कोई गेटअप लिया नहीं है इसका, बट आप ले सकते हो, आप अच्छा से इसका एक गेटअप लो तो आपका ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके जो नीचे साइड हमको रिसीव होता है ना, नीचे साइड आप देखोगे तो इस तरीके का है, पूरा सीधा सीधा सा पैटर्न दिया हुआ है, लेकिन नीचे साइड ना इसमें हमको ऐसा साइड में ना ऐसा ओपन दिया, यहाँ से आप दोनों साइड से अपने पैर निकाल सकते हैं। नीचे इस टाइप का आएगा जैसे आपने स्कर्ट पहना हुआ है। और यहाँ पर फ्रंट में ना हमको ऐसा बेल्ट मिलता है, बैक साइड में ना ऐसा मतलब इलास्टिक वाली मिलती है। ये अगर मैं एस साइज़ मंगवाई होती तो मुझे कमर फिट होती, बट मेरे एम साइज़ में थोड़ा सा मुझे लूज आ रहा था। साइड में हमको ऐसी यहाँ से पॉकेट मिलती है और इसी से जॉइंट ना ये हमको दुपट्टा मिलता है, यानी कि आप ये कोई भी तरीके से स्टाइल कर सकते हो। ये आपको साइड में आपको दुपट्टा मिल रहा है जो काफ़ी लंबा दुपट्टा है। अब दुपट्टे के साइड में ना हमको इस तरीके से जिस तरीके का उसमें ब्लाउज़ दिया हुआ है ना, उसी फैब्रिक का आपको देखोगे तो आपको इसमें पट्टी मिलेगी और साइड साइड में आपको ऐसी लटकन मिलेगी, यानी कि फैब्रिक की ही लटकन मिलेगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा पीस है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऐसे लड़कियों के ऊपर कलर बहुत अच्छे लगते हैं जो अनमैरिड होती है, उनके ऊपर इस टाइप के कलर बहुत ही ज़्यादा मतलब खिलते हैं पहनने पे, उनके ऊपर ना थोड़ा सा ये सब चीज़ें खिलती हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब अगले पीस के तरफ चले तो वो पीस मैंने इस तरीके का मंगवाया हुआ है। ये मैंने अपने लिए ऑर्डर इसलिए किया था क्योंकि अभी शावी का फ़ोटो शूट था, वो उसमें वो कृष्ण बनी थी, तो मैंने सोचा था मैं कुछ ऐसा पहनूंगी जो स्कर्ट लहंगा टाइप का होगा कुछ, उस पर्पज़ से मैंने मंगवाया था। अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं लगा दूंगी, नहीं तो मैं अपनी रील लगा दूंगी जो मैंने इस पर एक उसके साथ रील्स बनाई है शावी के साथ। ये मुझे कॉटन का पीस रिसीव हुआ है, पूरा बहुत ही प्यारा सा घेर है, बहुत प्यारा सा प्रिंट है। नीचे साइड इस तरीके का देखोगे तो आप बॉर्डर दिया हुआ है, जो चौड़ा सा बॉर्डर आपको नीचे साइड मिलता है। ऊपर साइड की बात करें तो आपको ऐसे इलास्टिक मिलती है, इलास्टिक के साथ साथ ना हमको फ्रंट साइड में ना ऐसी ये डोरी मिलती है जिसमें ऐसे कपड़े की ही ना लटकन लगी हुई है, तो बहुत ही प्यारा सा फ्रिल लग रहा है ये। मुझे ये पीस बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके भी बहुत सारे पैटर्न थे, मतलब बहुत कलर थे, प्रिंट अलग अलग मिलेगा बट बहुत सारे कलर थे। मुझे ये कलर कुछ ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। इसके साथ जो मुझे रिसीव हुआ ना, वो इस तरीके का ब्लाउज़ रिसीव हुआ। आप फ्रंट देखोगे ना,
फ्रंट में इस तरीके से बटन्स लगी हुई हैं, 3-4 हमको स्लीव मिलती है, जैसा स्कर्ट नीचे का था ना लहंगा था उसी फैब्रिक में यहाँ पर भी पट्टे लगे हुए हैं। नेक बहुत ही प्यारा राउंड सा वोट नेक इसको बोला जाता है, वोट नेक है, प्रिंट बहुत प्यारा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको ना अगर गर्मी वगैरह में आप वेयर करते हो ना तो अपने में अच्छा लगता है, मतलब आपको कहीं से चुभता नहीं है। अब इसके साथ जो हमको दुपट्टा रिसीव हुआ वो आप देखोगे ऐसे कॉटन का दुपट्टा रिसीव हुआ है, और उसमें पिंक से कलर का ना आपको उसमें वर्क मिलेगा। जब मैं वेयर कर रही हूँ तो वेयर करने में देख में समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का लुक लग रहा है, पहनने में कितना प्यारा सा पीस है। रेंज में बहुत कम रेंज का मुझे रिसीव हुआ था, बहुत ही कम प्राइस का था, मेरे ख्याल से 1200 या 1300 इस समथिंग का मुझे ये रिसीव हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना कम प्राइस का ये मुझे रिसीव हो रहा है, तो मैं इसको परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके साथ सूट में ना इस टाइप का मैं पहनूंगी तो मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने इसे ट्राई किया पहनने के लिए। अब चलते हैं अपने लास्ट पीस की तरफ, तो वो मैंने ऐसा 3 पीसेस का मंगवाया हुआ है। सबसे पहले मैं कुर्ती दिखा देती हूँ, ये जामनी कलर का मैंने पीस ऑर्डर किया हुआ था। पूरी कुर्ती में आप देखोगे तो ऐसे ग्रे कलर का आपको वर्क मिलने वाला है, जो लाइनिंग लाइनिंग में आपको पूरे में वर्क मिलेगा। नेक की अगर बात कर लेना, ये आप देखोगे ना तो राउंड आपको इस तरीके का नेक मिलता है जिसमें बटन्स लगी हुई हैं। स्लीव की अगर बात कर ले तो ऐसे 3-4 स्लीव मिलती है जिसमें इसी तरीके से ना हमको लेस मिलती है, जो ग्रे कलर सिल्वर कलर की हमको लेस मिलेगी। लेस की बात करूँ तो लेस हमको ना साइड में भी ऐसा लेस मिलता है, नीचे साइड भी ऐसा लगा लेस मिल रहा है। बहुत ही प्यारी रियॉन फैब्रिक की ये क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छी है, रियॉन फैब्रिक है, पीस देखने में बहुत प्यारा है, किसी भी सिंपल से फंक्शन में आप इसको वेयर कर सकते हो, अच्छे से वेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगोगे। इसके साथ जो हमें नीचे रिसीव होता है ना वो इस तरीके का सरारा रिसीव हो रहा है, आप ये देखो कि बहुत ही प्यारा सा इसमें घेर है। फ्रंट की बात करूँ तो ऐसा बेल्ट मिलता है, पीछे साइड हमको इलास्टिक मिलती है, पूरा शरारे में ना हमको ऐसी 4 लाइनिंग मिलती है, जो लेस की लाइनिंग मिल रही है आपको, उसी के साथ थोड़ी थोड़ी सी चुन्नट दी हुई है। पहन के बता रही हूँ आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस टाइप का पीस लग रहा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं जामनी कलर के अभी तक आपको ना एक भी पीसेस नहीं बताई थी, तो इस बार मैंने जामनी कलर ऑर्डर कर लिया, मैंने सोचा जामनी कलर आपको बता देती हूँ कि कैसा पीस आ रहा है। अब इसके साथ जो हमें दुपट्टा रिसीव हो रहा है ना, बिल्कुल सूती वाला दुपट्टा होता है ना वैसा दुपट्टा रिसीव हो रहा, बहुत प्यारा सा है दुपट्टा, और इसकी ना लेंथ वेंथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी है। चारों तरफ आप देखोगे तो इस तरीके का लेस लगा हुआ है, जो आपको सूट में मिलता है उसी तरीके का लेस इसमें भी लगा है। तो ये ना बिल्कुल आपको ऐसा दुपट्टा डाल दो ना तो आपको फिसलता नहीं है, बहुत ही प्यारा सा लगता है। वेयर कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था मेरा सूट, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे कौन सी ऐसी ड्रेसेस आपको पसंद आई वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलूंगी बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, बहुत प्यारे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय।